घर से बाहर निकलने का डर, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कॉल्स करते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं मेरी। हम ऑनलाइन उनको वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करके उनको कंसल्टेशन, उनको सलाह देते हैं और जाँच होने के बाद में उनको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। ये 24 साल का लड़का, इसने फोन किया और प्रॉब्लम यह है कि उसको घर से बाहर निकलने का डर लगता है। घर से बाहर निकल जाएंगे, उसको लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मर जाऊंगा। अब ये कोई लॉजिक में बैठता नहीं है कि कौन सा लॉजिक है ये, क्योंकि मानसिक बीमारी में कोई लॉजिक काम नहीं करता। घर से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो कहीं भी जाना है घर से बाहर तो उसको इतना डर लगता है। और डर कैसा दिखता है बाहर, कि एकदम जी घबराना, बहुत घबराहट उसको महसूस होना, बेचैन हो जाना, सीने में धड़कन, हाथ कपकपाना। उसको लगता कि नहीं, ये भी कुछ तो भी मुझे हो जाएगा, मुझे अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा उसको लगना। उसको वैसा रेगुलरली फ्रेश नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, फ्रेश नहीं लगता, सिर दर्द करते रहता है, नींद बराबर उसको आती नहीं है। और नींद आती नहीं है तो फिर सवेरे जब उठता है तो उसको फ्रेश लगता नहीं। उसको लगता है कि अभी कुछ तो भी हो जाएगा और मैं बच नहीं पाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। अभी ये है 4 साल से, और 4 साल से घर में झगड़ा हुआ है। पिछले 2 साल से उसको पेट का भी प्रॉब्लम चालू हो गया, पेट में गैस होना, पेट फूल जाना, लेटरिन साफ नहीं होना और भूख नहीं लगना, दो दो दिन भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाता है, तो वजन भी कम हो गया और मतलब दिन ब दिन रोज मर रहा है। जब वो मुझे उसने कंसल्ट किया, मतलब भाई तू वैसा तो मर नहीं रहा है, मतलब वैसा रोज मर रहा है डेली, क्योंकि इलाज ही नहीं किया, कोई इलाज जड़ी बूटी का किया उससे फायदा नहीं हुआ। कुछ तो भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा हुआ है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में घुसने के कारण एक ऐसा बिलीफ बना हुआ है, वो घुसा हुआ है कि उसके कारण उसको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगा। कुछ तो भी कंडीशनिंग हुआ है, बाहर गया कुछ तो भी हुआ, तो मैंने कहा चलो अपन बात करते हैं। तो उसको हमने साइको एनालिसिस के लिए लिया, काउंसिलिंग किया, साइकोथेरेपी। तो ऐसी उसकी घटना एक दो घड़ी की, जिसमें उसने एक्सीडेंट देखा घर के बाहर किसी को रोड क्रॉस करते हुए, और फटाक से उसको वो डर वहाँ से बैठ गया। और वहाँ उतना डर नहीं था, बढ़ते 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 गया, धीरे धीरे वो अवॉइड करने लगा, और फिर पिछले 4 साल से बहुत ही अवॉइड कर रहा है। तो इसमें मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन से उसको जो डर है वो निकल जाता है। हम बोलते हैं कि बाहर निकलने के पहले मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाओ, जबान के नीचे मेडिसिन रखते हैं तो वैसे ही वो माउथ में डिजॉल्व हो जाती है, तो उसको जो धड़कन वगैरह जो है वो निकल जाती है। वो मेडिसिन से उसको जरा कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि हाथ कपना, घबराहट वगैरह सब ठीक हो जाता है, वो बाहर निकल सकता है। मतलब टेम्पररी इलाज के लिए कि भाई बाहर निकलने के पहले मेडिसिन खाओ, और परमानेंट इलाज के लिए हिप्नोथेरेपी हम करते हैं, जिससे हिप्नोथेरेपी करने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसने हिप्नोथेरेपी चालू किया, धीरे 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 फायदा होना उसको लगा, फायदा होना महसूस हो गया और अभी अच्छा जीवन जी रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है कि जिसमें उनको लगता है कि मैं मर जाऊँ। तो फिर किसी को डर लगता है हाइट का, ऊंचाई का, वो ऊंचाई पे नहीं जा सकते, कि उसको बंद जगह का डर लगता है, वो बंद जगह पे नहीं जा सकते, कि उसको ट्रैवल फोबिया है, बस में, फ्लाइट में, ट्रेन में नहीं जा सकते। किसी को फोबिया है रास्ता पार करने का, सड़क पार करने का, पार नहीं कर सकते। किसको प्रॉब्लम है कि भाई कुत्ते का डर है, या बिल्ली का डर है, या छिपकली का डर है, मतलब ऐसा डर बैठा हुआ रहता है कि उस समय उनको लगता है कि नहीं अभी मैं वो नहीं कर पाता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको जरूर वीडियो आप शेयर करो, ताकि काफ़ी सारे लोगों के जीवन में हम डिफरेंस ला सके, उनका जीवन अच्छा कर सके। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आप हमारे पार्टनर बनिएगा। हमारा एक ऐप है, वो आप ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस है, ऑनलाइन कोर्सेज है, वो भी आप ले सकते हैं। आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सीक्रेट रखते हैं, आपका नाम बाहर नहीं जाता है, गोपनीयता हम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।